हेलो दोस्तों, तो आज के ट्यूटोरियल, सॉरी ट्यूटोरियल में नहीं बोल सकता क्योंकि आज हम बूटस्ट्रैप 4 में टेम्पलेट बनाना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप 4 में टेम्पलेट कैसे बनाना है, मैंने ट्यूटोरियल तो पहले ही अपलोड कर दिया है, आपको शायद लिंक आपने देख भी लिया होगा। अगर आप बूटस्ट्रैप 4 का ट्यूटोरियल नहीं देखे तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, बूटस्ट्रैप 4 का पूरा ट्यूटोरियल एक बार आप ज़रूर देखे और फिर उसमें से सीख ले कि बूटस्ट्रैप 4 में जो नए चेंजेस वो आए हैं वो क्या है, और सब जो क्लासेस है, टैग है, उसका कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्लाइडर है, नेव बार है, कार्ड्स है, कुछ नए आए हैं उसमें, वो उसको कैसे क्रिएट करते हैं, वो बूटस्ट्रैप 4 में नया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप 4 में टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये सिंपल टेम्पलेट है ही, तो ये रहा मेरे पास सिंपल ये टेम्पलेट। तो ये टेम्पलेट है मेरे पास जो सिंपल जो हमारे पास होता है, तो ये रेस्टोरेंट का टेम्पलेट है। मैं आपको बता देता हूँ इस टेम्पलेट में क्या क्या है, पहले टेम्पलेट में आपको पूरा बता देता हूँ। ये है हमारा नेव बार और ये लोगो है, होम है, गैलरी और कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये स्लाइडर है जो केरोजेल की मदद से मैंने बनाया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी किचन पे ये जो टीम है उसका मैंने पोर्शन बनाया है। ठीक है, तो ये फोटो है किचन स्टाफ और इस रीड मोर। ठीक है, ये बटन है, और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये है स्पेशल फ्रूट्स की डिटेल है, ये ऑर्डर यहाँ से कर सकते हो, और यहाँ पे इसका जो फ्रूट की डिशेस है उसके फोटोस है। अगर और आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक मैप है। ठीक है, वो मैप कैसे लगाते हैं मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। और यहाँ पे जो बॉटम पे आ जाते हैं आप, तो ओपनिंग आवर्स, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट इन्फो, ये है आपके सामने। और यहाँ पे है फुटर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस टेम्पलेट को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले पहले से ही मेरे पास एक सिंपल डेमो में तैयार रखता हूँ बूटस्ट्रैप 4 का। अगर आपको ये डेमो डाउनलोड करना हो तो मेरे ट्यूटोरियल में पहला ही वीडियो था इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोड। ठीक है, उसमें से आप देखकर भी सीख सकते हैं, और यहाँ पे मैं इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर लूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा फोल्डर है और ये है इंडेक्स फाइल। पहले इस फाइल को मैं रन कर लेता हूँ, तो रन होने पे कुछ नहीं आता, अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, तो पहले क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को एडिट कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये सिंपल आ चुकी है फाइल, यहाँ पे मैं वर्ड रैप भी निकाल देता हूँ। ठीक है, और जो मुझे अब लगता है कि मुझे कुछ कस्टम सीएसएस क्रिएट करनी है, तो सीएसएस के अंदर मैंने ये फाइल बना रखी है अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस, उसे भी मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो उस फाइल में भी कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और हमें यहाँ से स्टार्टिंग से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम यहाँ से टेम्पलेट की शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ नेव बार स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे कमेंट लगा देता हूँ, और यहाँ पे एंटर लगा के मैं यहाँ पे न्यू बार की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, उसके मैं क्लास दे देता हूँ न्यू बार। आपको न्यू बार बनाना मैंने ट्यूटोरियल में भी सिखाया था, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू बार दे दिया है, न्यू बार लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल ये न्यू बार लाइट भी लगा दिया है, और न्यू बार को ओपन रखने के लिए न्यू बार एक्सपांड SM, मुझे यहाँ पे स्मॉल न्यू बार चाहिए, तो सेव कर लेता हूँ। और उसके अंदर ये टैग पे मैं इसका जो लोगो है वो लगा देता हूँ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसकी क्लास में न्यू बार ब्रांड। ठीक है, इसको हम न्यू बार ब्रांड बोलते हैं। और यहाँ पे इमेज है जो हमारे टेम्पलेट है मेरा,
वहाँ पे भी ये सिंपल इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इमेज लगानी है नेव बार पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इमेज कहाँ पे है, तो मेरा इमेज का जो फोल्डर है उसमें मेरे पास ये इमेज है इसकी, लोगो की। तो इस इमेज को मैं यहाँ से F2 यानी रीनेम करके कंट्रोल ए और कॉपी कर लेता हूँ। क्यों मैं कंट्रोल ए और कॉपी किस लिए किया, क्योंकि जो इसका एक्सटेंशन है वो भी मुझे से कॉपी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कोड पे आके इसे मैं इमेजेस का फोल्डर दे देता हूँ पहले, बाद में इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे सेव करके जो मेरा ये है वहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास ये सिंपल रेस्टोरेंट का है वो लोगो आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा थोड़ी स्पेस है और यहाँ पे स्पेस नहीं है, यानी कि ये मैंने कंटेनर में लिया है, ठीक है, जो ये लोगो था। तो इसे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और पहले डिव लगा लेता हूँ, उसमें मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर, ठीक है, और उसके बाद इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इमेज है, इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए और इमेज को सेंटर में लाने के लिए क्लास क्या है आपको पता होगा, पहले img फ्लूइड, ठीक है, mx ऑटो और डी ब्लॉक। और यहाँ पे सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मेरे पास ये सिंपल वैसा के वैसा ही आ गया। अब हमें क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे होम गैलरी और कॉन्टैक्ट। तो आइए मैं यहाँ पे होम गैलरी और कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इसके नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक सिंपल डिव ले लेता हूँ और उसके अंदर यूएल के अंदर एलआई चाहिए, एलआई के अंदर मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ। पहले मैं इसमें ए में क्या लिख देता हूँ, होम, ठीक है। और पहले यहाँ पे मुझे ये डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्लास में नेव बार नेव, यानी कि जो मेरा नेव बार का मेनू है वो क्रिएट कर लेता हूँ। एल आई के क्लास में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नेव, यहाँ पे मैं सिंपल लगा लेता हूँ नेव आइटम। और ए के क्लास में नेव लिंक, आपको पता है ये, ठीक है। और यहाँ पे ग्लिफ आइकन, तो ग्लिफ आइकन क्या है मैंने आपको अपने ट्यूटोरियल में बताया, आप ट्यूटोरियल देख लेना, एड ग्लिफ आइकन, वो मेरा ट्यूटोरियल जो बूटस्ट्रैप 3 में सपोर्ट था ग्लिफ आइकन, 4 में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 4 में कैसे सपोर्ट करना है वो मैंने उसमें सिखा दिया है। तो यहाँ पे मैं स्पान ले लेता हूँ, स्पान के अंदर मैं क्लास लगा देता हूँ ग्लिफ आइकन और ग्लिफ आइकन होम। तो ये मेरे पास सिंपल आ चुका है और सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास ये होम आ चुका है, ठीक है। और मुझे क्या क्या चाहिए उसके बाद, होम कॉन्टेक्ट और, तो पहले इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से एंटर लगा के मैं 2 बार पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, मुझे चाहिए होम गैलरी और कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे होम है, गैलरी भी आ गई है और कॉन्टैक्ट भी आ गया है। तो यहाँ पे इसका ग्लिफ आइकन है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसे मैं कैमरा लगा देता हूँ और इससे ईयरफोन, ठीक है। और सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास ये सिंपल होम गैलरी और कॉन्टैक्ट आ चुका है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे पास ये सिंपल आ गया है, लेकिन ये लाइन में कैसे आ रहा है, एक इन लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे एक्सपांड लगाना है, ठीक है। तो सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये अब आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, ये रिस्पॉन्सिव हो जाए तब यहाँ पे एक बटन आ जाए और यहाँ पे जब बटन पे क्लिक करूँ तो ये तीनों
यहाँ पे मेनू में ओपन होना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं जो ये DAV था उस पर एक क्लास लगा देता हूँ, कोलैप्स, और मुझे कोलैप्स क्या करना है, नेवबार कोलैप्स, ठीक है। ठीक है, और इसकी यहाँ पे आईडी दे देनी है, आईडी में लिख देता हूँ मैं मेन्यू, ठीक है। और यहाँ पे ए टैग के नीचे यहाँ पे मुझे एक बटन लेना है, बटन में मुझे यहाँ पे लिखना होगा डेटा टॉगल इक्वल टू कोलैप्स, और यहाँ पे डेटा टारगेट, यानी कि मुझे टारगेट पे जब क्लिक करूँ तो टारगेट क्या करना है, ये सिंपल मेन्यू है वो टारगेट करना है, ठीक है। तो लिख देता हूँ डेटा टारगेट हैज मेन्यू, और उसकी जो क्लास है वो मैं क्लास लगा देता हूँ नेव बार टॉगलर, उसके अंदर मुझे जो तब टॉगलर होगा तब यहाँ पे एक बटन चाहिए, उसकी मैं पहले डिजाइन कर लेता हूँ, न्यू बार टॉगलर आइकन, ठीक है। सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो हम मेरे पास ये सिंपल मेन्यू आ गई है। जब ये मैं इसे रिस्पॉन्सिव करता हूँ तो यहाँ पे ये अपने आप ही ये टॉगलर आ गया है, ठीक है। जब इस पर क्लिक करेंगे तब मेनू ओपन हो जाएगा। तो अब मुझे क्या चेक करना है, ये जो हमारा सिंपल ये नेवबार का मेनू है ये हमें राइट साइड पे चाहिए, तो राइट साइड पे करने के लिए इसका UL है उसके ऊपर मुझे एक क्लास लगाना पड़ेगा स्पान में MR फोटो, सेव करके रिफ्रेश, तो यहाँ पे ये राइट साइड पे चला गया है। जब ये राइट साइड पे चला गया तो ये हमारा नेवबार यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे मैं सीखते हूँ स्लाइडर स्टार्ट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे स्लाइडर स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे मैं DAV ले लेता हूँ, DAV पे मैं क्लास लगा लेता हूँ कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। कंटेनर फ्लूइड क्लास लगा लेता हूँ, और उसके अंदर से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, उसकी क्लास लगा लेता हूँ रो, कंटेनर के अंदर रो, यहाँ से हमें शुरू करते हैं ग्रिड सिस्टम पे काम करना, ठीक है। उसके अंदर एक DAV ले लेता हूँ, उस पर मैं स्लाइडर का कोड शुरू करता हूँ, ठीक है, केरोसिन लगा देता हूँ, और उसका दूसरा क्लास स्लाइड, और डेटा राइट जब मैं लिखूँगा, और यहाँ पे मुझे लिखना है स्लाइड, और डेटा इंटरवल पे मुझे सेकंड लिखनी है, इमेज की जो स्लाइड होना है, इमेज जो स्लाइड होगी उसकी सेकंड लिखनी है, तो यहाँ पे मैं 3000 लिख देता हूँ, यानी 3 सेकंड, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक और डिव लगाना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था जो ये एक स्लाइडर है उसकी एक सिंपल हमें आईडी भी देनी होगी, आईडी को मैं दे देता हूँ CAR, ठीक है, सिंपल। और उसके अंदर तो यहाँ पे ये जो स्लाइडर है ये स्लाइडर क्रिएट करना है, तो यहाँ से ये इसकी इंडिकेटर भी है ये, और ये नेक्स्ट और प्रीवियस के भी बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ एक स्लाइडर क्रिएट कर ले जाता था, और यहाँ पे मैं क्लास पे कैरेजियल उसकी इनर, ये है कैरेजियल इनर, ठीक है। इनर के अंदर हमें क्या लगाना है, TAV पे कैरेजियल आइटम, और उसके अंदर इमेज, तो मैंने इमेज लगा दी है,
लिस्ट देखे मैं देख लेता हूँ मुझे कौन कौन सी इमेजेस चाहिए। पहले तो ये चाहिए, हाँ तो ये स्लाइड की जो इमेज है वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसे मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे इमेजेस के अंदर लगा लेता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था इसके इमेज रिस्पॉन्सिव और सेंटर करने के लिए क्लास भी है, ठीक है, इमेज फ्लूइड, एमएक्स ऑटो और डी ब्लॉक। तो यहाँ पे इमेजेस मेरे पास आ चुकी है और ये इमेजेस मेरे पास आ चुकी है। तो पहली इमेजेस को मुझे क्या करने पड़ेगा, शुरुआत से एक्टिव, यानी यहाँ से शुरू करना है मुझे, ठीक है। सेव करके यहाँ से मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास ये सिंपल आ चुकी है इमेज, ठीक है। अब मुझे दूसरी भी चाहिए यहाँ पे, तो इसे मैं भी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट, ठीक है। दूसरे में जेपीजी है और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ टू, ठीक है। अब दूसरे में मुझे एक्टिव नहीं चाहिए और यहाँ पे भी मुझे एक्टिव नहीं चाहिए, तो मैं इसे निकाल देता हूँ और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो मेरे सामने ये सिंपल इमेजेस आ गई है और उसे स्लाइड करवाना है, ठीक है। अब स्लाइडर, पहला इमेज वो है स्लाइडर वन जेपीईजी, तो यहाँ पे इमेज भी मुझे देखना है, स्लाइडर वन जेपीईजी, दूसरा स्लाइडर वन जेपीजी, तो दूसरे में स्लाइडर वन जेपीजी, ठीक है। तीसरे में है स्लाइडर टू जेपीईजी, तो यहाँ पे क्या है, स्लाइडर टू जेपीजी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जेपीजी लगाना है और सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करना है। तो 3 सेकंड के बाद ये जो इमेज है वो स्लाइड होगी, ठीक है। तो ये स्लाइड नहीं हो रही, यानी मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है। तो देख लेते हैं मिस्टेक कहाँ पे हुई, कैरोजियल इनर पे, कैरोजियल आइटम एक्टिव, ठीक है, डेटा राइट आईडी कार्ड, कैरोजियल स्लाइड डेटा राइट पे, हाँ यहाँ पे स्लाइड नहीं है, यहाँ पे कैरोजियल आना है, ठीक है। सेव करके अब रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो मुझसे गलती से वहाँ पे स्लाइड लग गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्क्रॉल हो रही है। अब मुझे क्या चाहिए, यानी यहाँ पे 3 इंडिकेटर चाहिए जो इस टेम्पलेट में है, यहाँ पे इंडिकेटर, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो इंडिकेटर हमें लगाना है, तो यहाँ पे मुझे ऑयल और एलाई क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें ऑयल लगा लेता हूँ, ऑयल पे क्लास लगानी पड़ेगी मुझे, कैरोजियल इंडिकेटर्स, ठीक है, और उसमें एलाई, एलाई पे मुझे लिखना होगा क्लास, पहले क्लास नहीं चाहिए, पहले पे मुझे चाहिए डेटा टारगेट, यानी जो इंडिकेटर है किस पर काम करेंगे, तो जो ही हमने आईडी लगाई थी, ठीक है। तो हैश करके मैं यहाँ पे कार लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये मेरी डेटा टारगेट पे आईडी आ जाएगी। और यहाँ पे जब स्क्रॉल करना है, स्लाइड करवानी इमेज, तो अब क्लिक करेंगे तो स्लाइड होनी है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा डेटा स्लाइड टू, यानी मुझे यहाँ पे इसकी इंडेक्स भी देनी पड़ेगी। तो पहले की इंडेक्स है 0, दूसरे की 1, तीसरे की 2, ठीक है। और पहले में मुझे क्लास लगानी होगी, आपको पता है एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा और पेस्ट, ठीक है। और दूसरे में मुझे एक्टिव नहीं चाहिए और यहाँ पे तीसरे में भी मुझे एक्टिव नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले की इंडेक्स थी 0, दूसरे की 1 और यहाँ पे 2। सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ये इंडिकेटर्स आ चुके हैं, ठीक है।
अब क्या करना है, यहाँ पे जो एरो है, जो नेक्स्ट और प्रीवियस के एरो, वो यहाँ पे हमें लगाने हैं। तो यहाँ पे एरो लगा लेते हैं। तो एरो में कहाँ पे लगाना है, जो यहाँ पे हमारा स्लाइडर और यहाँ पे ख़त्म होता है, तो उसके बाद में हमें लगना है एरो। तो यहाँ पे, यहाँ से स्लाइडर शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, तो इसके अंदर, ठीक है, ये टैग ले लेता हूँ। और क्लास में हमें आईडी पे, हम यहाँ पे एचरीफ है, एचरीफ का मतलब जो डेटा टारगेट है और एचरीफ वो सेम है। तो यहाँ पे मुझे जो अपनी आईडी है, ये आईडी लगानी पड़ेगी, ठीक है। और क्लास पे कैरेजियल कंट्रोल, कैरेजियल कंट्रोल प्रीवियस, यानी प्रीवियस। और डेटा स्लाइड पे क्या लगाना पड़ेगा, प्रीवियस, यानी जो डेटा स्लाइड है वो क्लिक करने पर ही क्या कॉल करना है हमें, प्रीवियस यानी प्रीव, ठीक है। और इसके अंदर हमें आइकॉन चाहिए, तो इसका जो आइकन था, तो उसका आइकन का नाम सिंपल है, जो ये आइकन का नाम था वही है, ठीक है। तो क्लास पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैरेजियल कंट्रोल प्रीवियस डेस करके आइकन। तो यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास ये आइकन आ चुका है, ठीक है। अब दूसरा चाहिए तो क्या करना है, जो ये ए टैग है उसे सिंपल कॉपी कर लेना है, कॉपी करके पेस्ट, और जो यहाँ प्रीवियस है उसमें नेक्स्ट लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लगा देता हूँ और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास ये भी आइकन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेजियल था वो ख़त्म हो गया, और यहाँ पे एक कैरेजियल है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिंपली रिस्पॉन्सिव ही है, ठीक है। आप कितनी भी स्क्रीन कर लो, यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव ही है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल ये किचन टीम है वो क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं, हमारा जो स्लाइडर ख़त्म होता है, यानी कि ये पोर्शन ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके नीचे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हाँ किचन टीम, किचन टीम स्टार्ट, और सेव करके इसे मैं कमेंट लगा देता हूँ। और यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। अगर अब जब आप सेक्शन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप सेक्शन टैग का यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन कौन सा है आपके पास, ये सिंपल मैं लगा देता हूँ सेफ, और उसका मैं क्लास लगा देता हूँ कंटेनर फ्लूइड, यानी कि अब हमें फुल विथ में चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर जो ये फुल विथ है, उसके अंदर भी एक कंटेनर लगा देता हूँ, यानी कि फुल विथ के अंदर हमें शॉर्ट पे चाहिए, यानी ये साइड पे स्पेस चाहिए, इसलिए मैं कंटेनर फ्लूइड लगा देता हूँ, और उसके अंदर कंटेनर, ठीक है, यानी ये सेंटर पे आपको सेट करके देगा कंटेनर। और यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये आपको बता देता हूँ कि ये किचन टीम वो मैंने यहाँ पे एच टैग में लगा रखा है, और यहाँ पे दो ये इमेज है, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे H1 टैग ले लेता हूँ, ठीक है। उसमें क्या लगा देता हूँ मैं, ये इसका नाम है, ये नाम हमें चाहिए किचन टीम, तो इसे मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और सेव करके मेरा जो ये टेम्पलेट उसमें रिस, हाँ, तो अब मेरे पास ये सिंपल आ चुका है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्पेस है आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये स्पेस है, तो मुझे वो पेडिंग चाहिए। तो ये मेरा किचन का पोर्शन है, उसमें मैंने सेफ यहाँ पे एक क्लास यूज़ किया ही था, तो इसमें कॉपी कर लेता हूँ, अपनी पर्सनल सीएसएस में जाके मैं इसे क्लास बना के इसमें पेडिंग डाल देता हूँ, पेडिंग टॉप बॉटम, यानी मैं यहाँ पे 30 पिक्सल डाल देता हूँ और लेफ्ट राइट पे मुझे 0, ठीक है। और सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं मुझे यहाँ पे ये किचन टीम मिल गया है। और
ये किचन टीम है वो बिल्कुल सेंटर में है, तो यहाँ पे पहले मैं इसे सेंटर में ले लेता हूँ। तो उसमें मैं सिंपल एक क्लास लगा देता हूँ, बूटस्ट्रैप का टेक्स्ट सेंटर और सेव करके रिफ्रेश। तो यहाँ पे ये सेंटर पे आ चुका है, तो उसके ऊपर इमेज भी और नीचे भी इमेज है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इमेज लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले इस इमेज को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ताकि ये इमेज का मुझे सिर्फ पाथ ही चेंज करना पड़े। ठीक है, इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसका जो पाथ है मैं उसे ही चेंज करता हूँ सिंपल। तो यहाँ पे कौन सी इमेज है, ये है। ठीक है, तो मुझे इमेज में ये इमेज मुझे ढूंढनी पड़ेगी, तो क्या, हाँ मुझे मिल गई। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसका जो नेम है वो यहाँ पे जाके मैं सिंपली नेम पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे उसके नीचे ये इमेज थी, ठीक है, तो इस इमेज को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आगे इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, हमारे टेम्पलेट में जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो हमारे पास ये किचन टीम की जो ये भी जो इमेज थी वो आ चुकी है। ये इमेज है मेरे हिसाब से बहुत बड़ी है, तो इसे मैं छोटी कर देता हूँ पहले। तो इसकी जो हाइट है वो मैं हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ, इसकी हाइट है वो मैं 40 रख देता हूँ और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसे क्या करता हूँ, इसकी जो फ्लूइड इसकी रिस्पॉन्सिवनेस है उसे मैं निकाल देता हूँ, अब ये हाइट है वो वर्क करेगा। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश। तो मेरे पास ये सिंपल इमेज आ चुकी है, तो इसकी जो हाइट है उसे मैं यहाँ पर भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे अब मुझे ये इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए। ठीक है, पेस्ट कर लगा देता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये सिंपल ऐसा ही आ गया है। जो ये हमारा किचन का जो के है वो आप ब्लू पे देख सकते हो, टी है वो भी ब्लू पे देख सकते हो। तो जो किचन का के है उसे हमें अब एडिट करना है, तो इससे मैं स्पान टैग के अंदर लगा लेता हूँ। और स्पान टैग को क्या है, मैं टेक्स्ट का जो कलर है वो दे देता हूँ, यानी मैं इन्फो दे देता हूँ। ठीक है, और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। तो ये जो के है हमारे पास सिंपल आ चुका है, तो जो मैंने यहाँ पे स्पेस लगाई थी उसे निकाल देता हूँ और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो टीम है, टी है टीम का, वो यहाँ पे ब्लू है। तो अब मुझे क्या करना है, इसका टी है उसे भी मुझे स्पान टैग के अंदर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे भी मैं स्पान टैग के अंदर लगा देता हूँ और तो उसके मैं क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट इन्फो। ठीक है, तो यहाँ की जो इसकी स्पेस है वो मैं यहाँ से निकल देता हूँ और सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश। तो हमारे पास ये सिंपल भी ये टीम बन चुकी है। और उसके नीचे क्या है, ये कार्ड्स है। तो मैंने बताया था आपको कार्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड है, कार्ड की ये इमेज है, ये कार्ड में जो हमारा नेम है और यहाँ पे ये उसकी डिटेल है और यहाँ पे एक बटन है। तो सिंपल मैं आपको यहाँ पे इसे क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो कंटेनर था वो आ गया है और उसके नीचे मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, एक PR ले लेता हूँ, यानी एक बार और मैं नीचे चला जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कार्ड क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कार्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे कार्ड क्रिएट कर लिया है। कार्ड मेरे पास, अब मुझे कितने कार्ड चाहिए थे, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, सेव करके यहाँ पे आ जाता हूँ। कार्ड मुझे कितने चाहिए, तीन, एक दो और तीन, यानी तीन कार्ड चाहिए। तो ये बेसिकली आपको रो में ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले मैं रो ले लेता हूँ। रो और कॉलम में क्रिएट करने का मतलब है ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं DAV ले लेता हूँ, मुझे कितने कार्ड चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप, बीच में जो है मिडल का वो बड़ा कार्ड है और ये दोनों छोटे,
यानी मैं कैलकुलेशन 12 के मुताबिक करता हूँ तो ये 6 का हुआ और ये दोनों 4 4 के हुए, ठीक है, 4 4 के नहीं यानी 2 2 के हो गए, ये 6 का हो गया तो ये 3 और ये 3, पता चला, ये 6 का और ये 3 का और ये भी 3 का, यानी कि 3 और 3 प्लस 3 6 और ये भी 6, यानी कि 6 प्लस 6 12, ठीक है। उसकी जो विथ थी वो मैंने आपको बताई थी, कॉलम 12 कॉलम होती है बूटस्ट्रैप में, ठीक है। तो अब देखते हैं पहले मुझे क्या चाहिए, तो यहाँ पे एक मैं कार्ड क्रिएट कर लेता हूँ, उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कॉल कॉलम डी 3, ठीक है, और उसके अंदर मैं एक डीवी पे यहाँ पे आ जाता हूँ और उसको बना लेता हूँ कार्ड, ठीक है, और कार्ड के अंदर सिंपल इमेज। तो मैं आपको बता दूँ तो मुझे यहाँ पे इमेज ऊपर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इमेज कॉपी कर लिया है मैंने और यहाँ पे मैं से इमेज पेस्ट पे लगा देता हूँ और यहाँ पे IMG फ्लूइड लगा देता हूँ, यानी इमेज ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, और यहाँ पे इससे हाइट को भी मैं निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे हाइट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले मुझे यहाँ पे इमेज इसे निकालनी होगी, तो यहाँ पे इमेज कौन सी है पहले ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने टेम्पलेट पे आ जाता हूँ और यहाँ पे बॉक्स पे ये इमेज है, इसे मैं क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ कार्ड के अंदर और यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास ये सिंपल इमेज आ चुकी है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है, इसका जो बॉडी है वो मुझे यहाँ पे बॉडी क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये जो कार्ड का बॉडी है वो बॉडी क्रिएट कर लेता हूँ पहले, तो यहाँ पे इमेज के बाद में आ जाता हूँ एंटर लगा के, इसका जो बॉडी है कार्ड का, कार्ड बॉडी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कार्ड बॉडी लगा दिया है, तो कार्ड बॉडी लगा के मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और पी टैग ले लेता हूँ, पी टैग में इसका जो नाम है मुझे वो चाहिए, यानी क्रिश नाम है इसका, तो मैं यहाँ पे क्रिश लगा देता हूँ नाम, ठीक है। जो ये कार्ड था उसका जो सब कुछ है वो मुझे सेंटर में चाहिए, यानी कि मैं उसके कार्ड में लिख देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो इसके कार्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो अपने आप सेंटर पे आ जाएंगे। तो इसका बॉडी है उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे बीजी डार्क, यानी कि जो ब्लैक कलर आ रहा था वो ये कलर है वो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे मैंने बीजी डार्क किया है, तो टेक्स्ट में यहाँ पे लाइट कर देता हूँ, यानी जो टेक्स्ट है वो सब वाइट दिखे आपको, सेव करके रिफ्रेश, ठीक है। और इसको मैं एक क्लास लगा देता हूँ H4, यानी सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये बड़ा आ गया है, ठीक है। तो ये भी है क्रिस और यहाँ पे भी आ गया है, H5 लगा देता हूँ तो यहाँ पे ये सिंपल 5 नहीं यानी 4 तो था, यानी मुझे थोड़ा और बड़ा करना है, यानी कि 3, हाँ, तो यहाँ मेरे पास ये सिंपल आ चुका है। अब उसके नीचे हमें क्या लगाना है, उसका जो पोस्ट है फिनेजर वो पोस्ट लगानी है, तो उसके नीचे मैं एक और पी ले लेता हूँ, उस पर मैं लिख देता हूँ मैनेजर और उसकी क्लास है वो क्लास में लगा देता हूँ H5, उसे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे उसकी मैनेजर भी आ गए है, अगर क्लास निकाल देता हूँ तो ये सिंपल मैनेजर ही रहेगा, ठीक है, इसकी बदौलत। तो अभी यहाँ पे नीचे एक बटन है रीड मोर, तो यहाँ पे पहले उसके नीचे मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, बटन पे मुझे लिखना है रीड मोर, ठीक है, रीड मोर। और बटन की मैं पहले इस डिज़ाइन कर लेता हूँ, क्लास BTN आउटलाइन लाइट, तो ये बटन था, सेव करके
यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये सिंपल बटन आ चुका है। तो ये बटन थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बटन PTN SM लगा देता हूँ, यानी कि स्मॉल बटन। अब तो यहाँ पे स्मॉल बटन आ चुका है। अब क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे ये भी चाहिए, ये है क्रीस और यहाँ पे ये दूसरे है और यहाँ पे एक और कार्ड है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस कार्ड को मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूँ, देखना मैं क्या करता हूँ। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना है, इस कॉल है उस कॉल को यहाँ पे मुझे इस कॉल को मैं तो मैंने पहले क्या किया था, इस कॉल को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो पेस्ट और एक और बार मैंने पेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो मेरी आवाज़ में कुछ खराबी है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कॉल 6 कर देता हूँ, यानी कि ये कार्ड वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेव करके मैं यहाँ पे अपने टेम्पलेट पे आके रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये कार्ड भी मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो ये अपने अब आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, तो यानी कि इसकी जो इमेज है, ये इमेज हमें चेंज करनी है। तो यानी कि जो बीच वाला था उसकी जो इमेज है, तो यहाँ की इसकी इमेज है, इसे मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसकी इमेज कौन सी है यहाँ पे, तो ये इमेज है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके कोड पे जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास ये सिंपल कार्ड भी आ चुका है। तो यहाँ पे लिखा है किचन स्टाफ, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, किचन स्टाफ। ठीक है, और मैनेजर मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से इसे मैं निकाल देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ से ये निकल गया है। तो अब मुझे क्या करना है, ये आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये सिंपली तैयार हो चुका है और यहाँ पे जो लास्ट इमेज है कार्ड, उसको मुझे चेंजेस करना है। तो ये मुझे इमेज चाहिए, तो ये इस इमेज का नाम क्या है, सिंपल ये है इमेज, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो आखिरी वाला मेरा कॉल था उसे मैं यहाँ पे इस इमेज को यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो मेरे पास इमेज आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम है माइकल, तो मुझे यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। माइकल लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी पोस्ट है वो लगा देता हूँ। ठीक है, सेफ। तो इसकी यहाँ पे पोस्ट थी सेफ। ठीक है, तो मैं इसे सेव करके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो इसकी जो पोस्ट थी सेफ वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इमेज भी चेंज हो चुकी है और यहाँ की इसकी बदौलत ये सिंपल लग भी रहा है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो ये स्पेशल फ्रूट वाला सेक्शन है वो हमें क्रिएट करना है।
तो आइए वो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिकॉर्डर बहुत ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे ये सिंपल अपने आप आ चुका है। तो ये है रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव ही आपके सामने देख सकते हो आप। जब आप इसे रिस्पॉन्सिव करते हो तो ये रिस्पॉन्सिव अपने आप होने लगता है, ठीक है। तो ये कार्ड है वो अब बहुत ऐसे आ रहे हैं, जॉइंट होके आ रहे हैं। तो मुझे इसके बीच में थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, जो ये हमारा कोडिंग है उसमें में जो कार्ड खत्म होता है, यहाँ पे ये कार्ड खत्म हो जाता है, उसके बाद में मैं बी आर लगा देता हूँ, यानी कि इसमें जो है जो स्पेस मिल जाएगी हमें, ठीक है। और यहाँ पे भी बी आर लगा देता हूँ, और यहाँ पे भी बी आर लगा देता हूँ। सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे फिर भी कार्ड है वो ऐसे नहीं हुए, ठीक है, ये नहीं हो रहे। तो यहाँ पे मैंने बी आर कहाँ पर लगाए मैं देख लेता हूँ। हाँ, मैंने बी आर कार्ड के अंदर लगाए थे, यहाँ पे कार्ड के अंदर मैंने बी आर लगाए थे, उसके कार्ड के यहाँ से इसे बाहर ले लेता हूँ इस बी आर को, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पे कार्ड खत्म हो रहे हैं, यानी कि जो कार्ड है उसमें बी आर लग जाएगा, और यहाँ पे कार्ड अपने आप ही, हाँ अब देख सकते हैं आपके दोनों कार्ड के बीच में स्पेस आ चुकी है, ठीक है। हाँ, और ये कार्ड रिस्पॉन्सिव हो गए हैं, अब देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसे मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, और यहाँ पे अब हमें क्या क्रिएट करना है, तो हमें ये स्पेशियल फ्रूट वाला जो सेक्शन है वो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे कोडिंग पैनल पे आ जाता हूँ, ये हमारा सेक्शन वो ख़त्म हो गया, उसके नीचे नया सेक्शन शुरू करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रूट स्टार्ट, ठीक है, और यहीं से मैं कमेंट लगा देता हूँ, और अब सेक्शन की शुरुआत कर देता हूँ। उसकी मैं क्लास ले लेता हूँ फ्रूट सिंपल, और यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड, यानी मुझे फुल विथ में चाहिए। पहले जो फ्रूट है उसमें क्या है कि यहाँ पे जो फ्रूट है उस पर यहाँ पे पेडिंग भी आ रही है, और यहाँ पे बीच में भी पेडिंग आ रही है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, पहले जो फ्रूट क्लास था इसके इसके जैसे यहाँ पे मुझे क्लास क्रिएट करना पड़ेगा फ्रूट, और इसमें मुझे पेडिंग लगानी है। तो इसे जैसे ही सिंपल ऐसे ही पेडिंग में ले लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे सेव, और ये सब भी मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे ये स्पेस आ चुकी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो दो पार्ट है, यानी ये वो दूसरा ये, यानी कि 12 में से हमें दो पार्ट करने हैं, यानी कि पहला 6 का जो ये स्लाइड हो रहा है, और दूसरा वो भी 6 का, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसके अंदर मैं एक डीएवी ले लेता हूँ, और उसके अंदर मुझे स्पेस चाहिए, इसलिए मैं कंटेनर लगा लेता हूँ, ठीक है क्लास। तो इसके अंदर एक और डीव लगा लेता हूँ, उसमें मुझे चाहिए रो, तो इसको क्लास में मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे रो। रो के अंदर मैं दो पार्टीशन कर लेता हूँ, पहले मुझे चाहिए कॉल MD6, यानी कि कॉल MD6, और मुझे दूसरा भी कॉल MD6 ही चाहिए, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट। तो अब यहाँ पे मैं सिंपल SS लिख देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। सेव करके यहाँ पे मैं अपने टेम्पलेट पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये पहला पोर्शन है और ये दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो SS है उसमें मुझे क्या चाहिए, ये सिंपल स्लाइडर चाहिए छोटा सा, तो ये मैं मुझे यहाँ पे सिंपल स्लाइडर चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे जो हमारा पहले वाला स्लाइडर था, हाँ ये केरोजियल, तो इस स्लाइडर को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ पहले, ठीक है। इस स्लाइडर को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी,
और यहाँ पे आके टैब लगा के उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, यानी ये सिंपल स्लाइडर जो था वो ये है, ठीक है। तो अब इस स्लाइडर में मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसे मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, मैंने इसे निकाल दिया है। तो यानी ये जो एरो थे वो निकल चुके हैं। अब कैरोसेल आइटम है उसमें जो तीसरा वाला है, यानी कि मेरे पास अभी यहाँ पे स्लाइड इमेज कितनी हो रही थी, दो, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ दो ही चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास ये सिंपल दो आ चुके हैं, और यहाँ पे मुझे जो इंडिकेटर्स है वो भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे निकाल देता हूँ, और इसकी जो चेन आईडी थी उसे मैं FRT कर देता हूँ, यानी कि फ्रूट। तो इसकी भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं आईडी की, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई बटन और यहाँ पे कोई वैसे इंडिकेटर मुझे लगाने नहीं है। तो इसे भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और इसकी जो 3 सेकंड थी उसमें मैं 2 सेकंड कर देता हूँ। यानी मेरे पास ये सिंपल अप स्लाइडर, मैंने कॉपी उठा लिया है वहाँ से ऊपर से। तो इस स्लाइडर को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा यहाँ पे आगे लगा लेता हूँ, हाँ। तो मेरे पास ये सिंपल सा स्लाइडर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसकी सिर्फ इमेज के जो पाथ है वो मुझे यहाँ से चेंज करने हैं। यानी कि पूरा स्लाइडर तो मैंने कॉपी कर ही लिया है ऊपर से, और यहाँ पे इसमें से कौन सी इमेज आ रही है, फ्रूट की, ये आ रही है, और दूसरी इमेज है फ्रूट की, वो आ रही है, ठीक है। ये तो यहाँ से मेरे पास ये इमेज में ये है, हाँ ये है, ठीक है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ 1 और 3 को। तो पहले मुझे इस क्लास पे लगा लेनी इमेज 1, वो भी आ चुकी है, और यहाँ पे दूसरी इमेज है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ये इस मुझे याद है इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल 3 कर देता हूँ, और सेव करके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो मेरे पास जो ये सिंपल स्लाइड हो रहा है वो आ रहा है, ठीक है, इसकी बदौलत आप देख सकते हैं इनके जैसा ही आ रहा है। अब आप देख सकते हो सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो SS लिखे थे मैंने, वह यहाँ पे हमें यह लिखना है स्पेशल फ्रूट, और यहाँ पे इसे बॉर्डर, और यहाँ पे ये डिटेल और ऑर्डर नाउ का बटन लगाना है। तो ये हमारा दूसरा SS वाला सेक्शन कहाँ पे है, तो यह रहा, ठीक है। मैंने SS मिटा दिए है, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, मैं PTAG पे आ जाता हूँ, और उस पर लिखना है मुझे स्पेशल फ्रूट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्पेशल फ्रूट, ठीक है, स्पेशल फ्रूट। सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो स्पेशल फ्रूट आ चुका है। अब इसको मैं बूटस्ट्रैप के 4 के क्लास से मैं इसे H1 बना देता हूँ, यानी कि H1। तो यहाँ पे ये सिंपल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे सेंटर पे चाहिए, तो इसको मैं लगा दूंगा टेक्स्ट सेंटर, यानी कि ये सिंपल सेंटर पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका जो S है और F है वो रेड और ये ग्रीन है। तो इसका जो S था उसे मैं स्पान टैग में लगे ले लेता हूँ, ठीक है, हाँ। और उसकी क्लास मैं दे देता हूँ, हाँ ग्रीन है, तो यहाँ पे उसकी लगा देता हूँ टेक्स्ट सक्सेस, यानी कि सेव करके मैं पहले ये स्पेस निकाल देता हूँ, ठीक है, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो ये सिंपल S है वो ग्रीन हो गया है। अब F की बारी, F की, हाँ F है रेड, तो मैं यहाँ पे F को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पान टैग में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पान टैग ले लेता हूँ, उसके अंदर F लगा देता हूँ, और उसका कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट डेंजर। तो ये सिंपल है टेक्स्ट डेंजर, और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास ये सिंपल आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो ये बॉर्डर है जो ये इमेज है वो लगानी है उसके नीचे। तो यहाँ पे जो ये हमारा, हाँ पी था, उसके नीचे हमें अब एक इमेज लगानी है, ठीक है। तो इमेज में यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ,
ताकि मुझे पूरी लिखनी ना पड़े, ठीक है। और यहाँ पे आके इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और जब मुझे यहाँ पे इसकी पाथी सिर्फ चेंज करनी पड़े, ठीक है। तो ये इमेज कौन सी है? हाँ, तो ये छोटे छोटे तीन हार्ट वाली इमेज फ्रेम है, वो मुझे चाहिए। तो यहाँ से हाँ ये रही, तो इसे मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ उसकी नेम, और यहाँ पे आके इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास ये सिंपल आ चुकी है, और इसके नीचे हमें क्या चाहिए, ये टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और टेक्स्ट हाँ यहाँ पे पी टेक के अंदर मैं वो टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ, और सेव करके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये टेक्स्ट आ गई है हमारे पास, और टेक्स्ट को हमें क्या करना है, सिंपली उसकी फॉन्ट साइज़ है वो बड़ी कर देनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो टेक्स्ट थी उस पर मैं क्लास लगा देता हूँ, यहाँ पे H3 लगा देता हूँ, और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो हमारे पास ये सिंपल इतनी साइज़ पे आ चुकी है, ये बड़ी है और ये थोड़ी छोटी है, ठीक है। तो हमारी जो टेक्स्ट है वो बड़ी है, तो इसे मैं थोड़ी छोटी कर देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे ये सिंपल हो चुकी है, और यहाँ पे सिंपल ये स्पेस आ रही है, तो इसको मैं जस्टिफाइड कर देता हूँ। टेक्स्ट जस्टिफाई, ठीक है, टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो ये टेक्स्ट है सिंपल ऐसी आ चुकी है। इस टेक्स्ट में यहाँ पे बीच में स्पेस है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले इस टेक्स्ट को एंटर लगा देता हूँ, हाँ, और यहाँ पे एक br लगा देता हूँ, यानी कि ये सिंपल और इसका कलर ब्लैक है और इसका लाइट। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट म्यूटेड, म्यूटेड यानी कि टेक्स्ट है वो सिंपल लाइट ही हो जाएगी। तो ये हो चुकी है, और यहाँ पे क्या है, बटन है ऑर्डर नाउ का, तो पहले मुझे यहाँ पे एक बटन भी चाहिए। तो यहाँ पे उसके नीचे मैं एक br और लगा देता हूँ, और उसके नीचे एक बटन चाहिए। तो यहाँ पे मैं बटन ले लिया है मैंने, बटन के अंदर क्या लिखा है, ऑर्डर नाउ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑर्डर नाउ $3, यानी $3 ऐसा लिखा है। सेव करके मैं यहाँ पे मेरे टेम्पलेट पे आके रिफ्रेश कर लेता हूँ। मेरे पास ये बटन आ चुका है, तो बटन मुझे कहाँ पे चाहिए, सेंटर पे चाहिए। तो इसकी मैं यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ, MX ऑटो और D ब्लॉक। जब आप दोनों ये क्लास लगाते हैं तो कोई भी सेक्शन है DAV वो सेंटर में आ जाता है। तो यहाँ पे बटन आ चुका है, तो पहले मैं इस बटन की डिज़ाइन कर लेता हूँ, ठीक है। BTN आउटलाइन डेंजर है, तो ये बटन BTN आउटलाइन डेंजर है। तो सेव करके रिफ्रेश, तो मेरे पास ये बटन आ चुका है। जो अब ये $3 है वो बेज में आ रहा है, तो यहाँ पे बेज में लगा देता हूँ $3 को, ठीक है। तो $3 को मैं यहाँ पे स्पान टैग में ले लेता हूँ, और यहाँ पे $3 लगा देता हूँ मैं, और स्पान को मैं लिख क्लास दे देता हूँ बैज। मैंने आपको समझाया था ट्यूटोरियल में बैज कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। बैज तो उसको मैं बैज डेंजर, यानी कि ये रेड है इसलिए, सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये हमारा बैज सिंपल इसकी तरह आ चुका है। अब मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, जो ये हमारा टाइटल है, जो ये टाइटल उस पर जो रेस्टोरेंट लिखा है और उसके आगे एक इमेज आ रही है, तो हमारे यहाँ पे टाइटल पे कुछ नहीं आ रहा है। तो पहले वो उसका जो ये रेस्टोरेंट का है उसके सामने जो ये आइकॉन आ रहा है, वो मैं आइकॉन यहाँ पे लगा देता हूँ और टाइटल भी हमारा लगा देता हूँ। तो पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे हमारा जो टाइटल था वहाँ पे जाना है, हाँ यहाँ पे। तो उस पर मैं लिख देता हूँ रेस्टोरेंट, ठीक है।
तो रेस्टोरेंट लग सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो रेस्टोरेंट भी आ गया, उसके आगे एक इमेज चाहिए। तो जो रेस्टोरेंट का टाइटल है यहाँ पे, इससे एंटर लगा के मैं यहाँ पे लिंक ले लेता हूँ। ठीक है, लिंक के अंदर जो टाइप थी, टाइप हमें क्या चाहिए, आइकन है, तो इसकी टाइप है इमेज, और आइकन है तो उसका रिलेशन क्या है, होता है शॉर्टकट आइकन, ये इसका रिलेशन है, और टाइप इमेज। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक पाथ देना है इमेज के अंदर से, जो ये आइकन है, ये कौन सा आइकन है, तो ये रेड कलर का है। ठीक है, तो वैसा हमारे पास एक आइकन भी है, हाँ ये लोगो, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास भी ये आइकन आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा टेम्पलेट। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे जो ये टेम्पलेट है और ये टेम्पलेट है, अभी हमें पता नहीं चलेगा हमारा कौन सा है। तो पहले मैं इस रेस्टोरेंट को सिंपल है उसे मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें सिर्फ ये पता चल सके कि हमारा टेम्पलेट ये है। ठीक है, अब ये जो टेम्पलेट है वो है, तो अब हमें क्या क्रिएट करना है, जो ये मैप है आपके सामने, वो मैप, तो वो मैप तो ब्लू स्ट्रेप में 4K ट्यूटोरियल में नहीं है, वो कैसे क्रिएट कर दें, तो ये कोई जो ब्लू स्ट्रेप का वो कंसेप्ट नहीं है, मैप है, मैप मैंने कस्टम ही सेट किया है। ठीक है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यानी अब मुझे क्या करना है, हमारे टेम्पलेट में एक यहाँ पे सिंपल लास्ट पे आ जाना है, जहाँ मैंने हाँ सेक्शन या फ्रूट का ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद का ये सेक्शन है उसे मैं लिख देता हूँ मैप स्टार्ट। यहाँ पे इसको मैं कमेंट लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैप को मैंने कमेंट लगा दिया है, और यहाँ पे मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ, मैंने ड्यू नहीं लिया है, यहाँ पे सेक्शन ले लेता हूँ एक, क्या हो रहा था, हाँ सेक्शन आ गया मेरे पास। ठीक है, और सेक्शन पे मैं क्लास लगा देता हूँ मैप, और उसे मैं दे देता हूँ कंटेनर फ्लूइड, यानी कि मुझे ये फुल विथ में चाहिए, कंटेनर फ्लूइड यानी कि फुल विथ में, और उसके भी अंदर आपको जो ये पोर्शन है वो परफेक्ट शेप में चाहिए, तो आप उसके अंदर कंटेनर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड कर देता हूँ, तो ये जो कार्ड है वो यहाँ पे फुल विथ हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैप जो है वो मैप को मुझे यहाँ पे ऑनलाइन जाके ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये मैप को दूसरा भी मैप आप लगा सकते हैं, आप कुछ भी मैप लगा सकते हैं। ये मैप कहाँ का है, बेंगलुरु कर्नाटका का। तो यहाँ पे मुझे मैप यहाँ पे नीचे चाहिए। ठीक है, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, जो डार्क है, और उसके ऊपर भी पेडिंग छूट रही है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैप है वो मैप यहाँ मुझे उसकी क्लास बनानी पड़ेगी, और उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके वही चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मैप लिख देता हूँ, यानी मुझे कोई चेंजेस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैप करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SS, यानी सेव करके रिफ्रेश, तो आपको पता चल गया हमारा पोर्शन वो आ गया है SS वाला। ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यानी BG बैकग्राउंड कलर डार्क, सेव करके रिफ्रेश, तो अब हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि मैप है वो फुल विथ में है, मैप है वो फुल विथ में है, तो यहाँ पे मैं कॉल MD12 ले लेता हूँ, यानी फुल विथ में कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो SS है उसे मैं निकाल देता हूँ और एक डिव ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कंटेनर, कंटेनर के अंदर पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक रो बना लेता हूँ, रो ले लिया है, और रो के अंदर मैं एक डिव लगा लेता हूँ, उसकी मैं विथ है वो क्या दे देता हूँ, कॉल MD
सिक्स थी, यानी कि सिक्स नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए 12, तो यानी कि फुल विथ। ठीक है, जो 12 है ग्रिड वो पूरा का पूरा मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, देखना। ठीक है, सेव कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या, मुझे क्या लगाना है, अपना मैप। तो मैप हम अब कहाँ से लाएं, ये क्वेश्चन है। तो पहले मैं इस टैब को ओपन कर लेता हूँ और उस पर यहाँ पे गूगल पे मैं सर्च करता हूँ मैप। तो गूगल पे ये मैप आ चुका है, तो गूगल मैप पे हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये मैप आ चुका है, ये कुछ कहाँ का है, गुजरात का है मैप। हाँ, तो पहले मुझे कहाँ का मैप चाहिए, बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटका। तो मेरे पास है बेंगलुरु कर्नाटका का मैप आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस मैप को सेट करना है माइनस करके। हाँ, तो ये मैप लोडिंग हो रहा है, और यहाँ पे एक बार मैं और माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये मेरे पास मैप सिंपली ओपन हो चुका है। तो इस मैप को मुझे कहाँ पे लगाना है, वहाँ पे जो मेरा यहाँ पे पोर्शन है, यहाँ पे। ठीक है, तो इस मैप को मैं वहाँ कैसे ले जा सकता हूँ, तो देखना। ये आपके पास एक एक्सपांड साइड पैनल है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे मेन्यू है, वहाँ पे आप क्लिक करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आखिरी में शेयर एम्बेड मैप लिखा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, तो इसमें लिखा होगा एम्बेड मैप। आप वहाँ पे जा सकते हैं एम्बेड मैप पे, एम्बेड मैप पे आप लिख सकते हैं कस्टम साइज, जो ये आपका मैप है वो आपके पास कस्टम साइज का अब आ चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो मैप को उठा लेना है वहाँ से, ये इसकी लिंक है, उसे करनी है कॉपी पहले। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ गए तो इसकी लिंक को यहाँ पे पेस्ट करना है, यानी कि ये पेस्ट अब हो चुकी है। ठीक है, तो इसकी जो विथ है, यहाँ पे इसकी जो विथ है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, 100%, 100% यानी पूरी विथ है वो यहाँ पे यूज़ हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपने टेम्पलेट पर जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये मैप बिल्कुल आ चुका है। तो ये तो बड़ा हो रहा है, यहाँ पे मुझे मैप इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए, तो इसकी मुझे हाइट भी है वो कम करनी पड़ेगी। तो इसकी जो विथ थी वो मैंने 100% ले ली है, इसकी हाइट है उसे मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, हाइट में यहाँ ले लेते 300। ठीक है, तो सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो अब हाइट आ चुकी है 300 इसकी तरह। ठीक है, तो इसके जो कॉर्नर है वो थोड़े हैं, वो रेडियस है, तो यहाँ पे भी मुझे इस मैप के कॉर्नर भी रेडियस करने पड़ेंगे। तो जो हमारा मैप था, मैप में हम इनलाइन CSS लगा सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर है तो उसमें मैं लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस। ठीक है, रेडियस मुझे कितनी चाहिए, यानी मुझे चाहिए 10 पिक्सल, तो मैं लिख देता हूँ 10 पिक्सल, यानी कि चारों कॉर्नर है वो 10 पिक्सल रेडियस हो जाएंगे। और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ये रेडियस हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इस मैप का मुझे कोई काम नहीं, तो यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, फुटर है, उसके नीचे मुझे यहाँ पे 3 सेक्शन चाहिए, यानी कि 4 4 या 4 के कॉलम भी 4 4 या 4, इसके 4 के 3 चाहिए मुझे एक रो में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ हमारे कोडिंग पे। ठीक है, तो कोडिंग पे यहाँ पे मैप का जो था वो काम खत्म हो, यहाँ पे फुटर यहाँ पे मेरे से यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे मैं सेव, यहाँ पे मैं इसे सिंपली फुटर स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं फुटर स्टार्ट करके मैंने कमेंट लगा दिए। ठीक है, तो अब मैं सेव कर लेता हूँ और आउटपुट पे यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये टेम्पलेट
में जो ये है ओपनिंग अवर अबाउट अस और कॉन्टेक्ट इन्फो, ये हमें तीनों यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये अपना मैप ख़त्म होता है उसके बाद मुझे यहाँ पे ये पोर्शन चाहिए, तो सी एस एस पे मुझे क्या करना है, मैप जो था उसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे क्लास चाहिए तो फुटर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुटर। सेव करके यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना फुटर स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सेशन सेक्शन पे नहीं है चाहिए तो आप यहाँ पे एक टैग भी यूज कर सकते हैं फुटर। ठीक है, तो उस पर मैं क्लास लगा देता हूँ फुटर और कंटेनर फ्लूइड, यानी कि मैं फुल विथ में मुझे यहाँ पे ये चाहिए। और यहाँ पे उसके अंदर एक और डिव लगा लेता हूँ, उस पर मैं लिख देता हूँ कंटेनर, यानी कि जो मेरा ये सेक्शन है वो बीच में आए। ठीक है, सेंटर टू सेंटर। और उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ एक रो, तो मैं रो ले लेता हूँ, रो के अंदर ड्यू में मैं क्लास ले लेता हूँ कॉल एम डी फोर। ठीक है, थ्री नहीं चाहिए मुझे, फोर के तीन चाहिए, यानी मैं आपको एस एस लिख के समझा देता हूँ। कॉपी पेस्ट और पेस्ट यहाँ पे फिर, ठीक है, सेव करके यहाँ पे मैं अब आ गया। अब ये रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे पास ये तीनों आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, जो ये मेरा फुटर था उसका जो टेक्स्ट है वो मुझे क्या करना है, सेंटर पे ले जाना है। तो मैंने यहाँ पे उसका टेक्स्ट है वो सेंटर ले लिया है, और टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं दे देता हूँ लाइट, यानी वाइट दिखेगा। ठीक है, रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पे उसकी जो बीजी कलर है वो बीजी में डार्क दे देता हूँ, यानी कि जो ऊपर वाला मैप है उसके कलर के हिसाब से ये मैच हो जाएगा। तो आप इसको भी यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब पहले जो एस एस है उसमें मुझे क्या चाहिए, तो आपको ये बता देता हूँ, ये पहले एस एस में मुझे चाहिए ओपनिंग आवर्स। ठीक है, और उसके नीचे एक बॉर्डर चाहिए, और इसके आगे यहाँ पे 9 AM to 9 PM। ठीक है, तो पहले मुझे चाहिए ओपनिंग आवर्स, तो यहाँ पे मैं H1 में यहाँ पे ले लेता हूँ ओपनिंग आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग आवर्स मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो सेव करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास अब ओपनिंग आवर्स आ चुका है। ठीक है, अब मुझे ये थोड़ा सा छोटा चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं इसे ले जाता हूँ H2 पे। ठीक है, H2 पे ले जाके सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो यानी भी ये थोड़ा छोटा होके आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग आवर्स के ऊपर मैं दो BR लगा देता हूँ, यानी कि इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे दो BR मैं लगा देता हूँ। हाँ, और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे इसकी जो स्पेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, उसके नीचे एक बॉर्डर चाहिए, यानी कि एक इमेज है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको पहले ही मैं बता चुका, इमेज में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि हमें यहाँ पे दूसरी बार कुछ लिखना ना पड़े, सिर्फ पाथ ही चेंज करना पड़े। ठीक है, यानी कि हमारा जो टेम्पलेट क्रिएट करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो पाथ है वो मैं यहाँ पे चेंज सिर्फ करूँगा। तो यहाँ पे जो ये इमेज है, ये इमेज हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, हाँ, तो इमेज कौन सी थी, तो हाँ ये थी फ्रेम।
यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, उसका नाम और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव करके हमारे टेम्पलेट में आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये ओपनिंग आवर्स के नीचे जो बॉर्डर है वो आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब क्या चाहिए, ऐसे ही हमें सिर्फ तीन चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पहले ओपनिंग आवर्स को। ये जो मैंने कॉपी की थी उसे मैं क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। जो ये है हाँ, इसे मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, तो पहले में आ गया है ओपनिंग आवर्स, दूसरे में है अबाउट अस और कॉन्टेक्ट इन्फो। तो यहाँ पे भी मैं अबाउट अस लिख देता हूँ, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट इन्फो, कॉन्टेक्ट इन्फो। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये सिंपल आ चुके हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लिखना है 9 AM to 9 PM और संडे हॉलीडे। तो यहाँ पे पहले के अंदर मुझे यहाँ पे इमेज के नीचे एक एंटर लगाना है, यहाँ पे हाँ स्पान टैग में यहाँ पे पहले क्या लिखना है मुझे, 9 AM to 9 PM। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पहले और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उस पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे स्पान पे नहीं, मैं यहाँ पे पहले पी टैग ले लेता हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाए। हाँ, ले लिया, अब सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ टेम्पलेट पे आके। हाँ, तो मैं यहाँ पे आ गया और पी टैग पे जो मेरे पास ये था, हाँ मैं उसमें क्लास लगा देता हूँ H3 की, यानी कि जो ये 9 AM to 9 PM है वो H3 के शेप में दिखेगा आपके पास। हाँ, तो ये तो बड़ा हो गया, तो मुझे यहाँ पे H5 ले लेना है, सेव करके रिफ्रेश करना है। तो इसकी तरह यहाँ पे अब सेम टू सेम आ चुका है। ठीक है, अब उसके आगे घड़ी है आपको दिख रही है टाइम की, वो है ग्लिफ आइकन। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके आगे मुझे ग्लिफ आइकन सेट करना है। ठीक है, ग्लिफ आइकन को हम कैसे सेट करते थे, स्पान में यहाँ पे क्लास लेके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लिफ आइकन टाइम और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक घड़ी आ चुकी है। ठीक है, तो उसके नीचे अब मुझे दूसरी भी घड़ी भी चाहिए, संडे हॉलीडे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके एंटर लगा के पेस्ट। तो यहाँ पे 9 PM दूसरा आ गया है, उसमें मैं लिख देता हूँ संडे हॉलीडे, यानी सिंपल लिख देता हूँ संडे क्लोज्ड, नहीं पे संडे पे रेस्टोरेंट बंद। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ये आ चुका है। और अब मुझे क्या करना है, ये डिटेल चाहिए, तो मुझे क्या करना है, सिंपली इस पी को यहाँ से उठाना है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो इमेज है, हाँ ये इमेज, उसके बाद में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मुझे डिटेल नहीं चाहिए, ग्लिफ आइकन भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसे निकाल देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर चाहिए डिटेल, यानी कि ये रेस्टोरेंट की डिटेल है वो चाहिए, तो इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ चुकी है, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे डिटेल भी आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, कॉन्टेक्ट इन्फो चाहिए, तो कॉन्टेक्ट इन्फो को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फो के बाद में मैं यहाँ पे पी टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ,
जैसे ये सिंपल आ चुका है और इसे मैं यहाँ से इसके बाद लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये सिंपल पीटेक में आ चुका है और पीटेक को मैं H5 दे देता हूँ क्लास, ठीक है, H5। ओके, अब यहाँ पे सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी हमारे पास आ गई है। तो पहले क्या है इसमें था, इम्पीरियल ट्रावर नियर बैंक हाईवे और बेंगलुरु, यानी कि तीनों के बीच में जो है मैं यहाँ पे एक सिंपल BR लगा देता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये सिंपल आ चुका है। तो अब क्या है, ओपनिंग आवर और यहाँ पे जो इमेज है उसके और डिटेल के बीच में थोड़ी स्पेस है, यानी कि तीनों के जो पी है उसके आगे मैं एक BR लगा देता हूँ तो ये स्पेस भी हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक BR लगा देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, इमेज के नीचे। सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे हाँ तो ये हमें स्पेस भी अब मिल चुकी है, ठीक है। और ये टेम्पलेट में अब हमें क्या चाहिए लास्ट में, ये ऑल कॉपीराइट रिजर्व्ड, ये हमारा जो फुटर है आखिरी वाला सेक्शन वो हमें क्रिएट अब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं फुटर जो हमारा क्लोज होता था तो उसमें मैं यहाँ पे कॉपी राइट का जो है वो यहाँ पे लिख के रख देता हूँ और उसमें कमेंट डाल देता हूँ और यहाँ पे आखिर में मैं मुझे ये सेक्शन है फुटर का, ठीक है, तो उसे मैं क्लास लगा देता हूँ। तो मुझे ये क्लास यहाँ पे कौन सी चाहिए, मुझे भी पेडिंग चाहिए तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करके इसका जो नाम है वो तो यहाँ पे चेंज करके मैं CP रख देता हूँ, यानी कॉपी, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे भी CP लगाना चाहिए और नहीं चाहिए मुझे कुछ, यहाँ पे सिंपली चाहिए CP, ठीक है। और यहाँ पे स्पैनटेक के अंदर मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, जो यहाँ के फुटर में ऑल कॉपीराइट्स आर रिजर्व्ड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल कॉपी राइट्स आर रिजर्व्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है ऑल कॉपीराइट्स आर रिजर्व्ड। अब यहाँ पे टेक्स्ट कहाँ पे मुझे जाए, सेंटर में, तो यहाँ पे मैं इसमें सिंपल लगा देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ अपने टेम्पलेट में तो मेरे पास यहाँ पे ये भी आ चुका है। तो यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर पे अब नहीं आई है अभी, हाँ जो CP था वो यहाँ पे CP को भी मैंने टेक्स्ट सेंटर दे दिया है तो मुझे यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर देना है, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर। सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट सेंटर को निकाल देता हूँ, ठीक है। तो कॉपीराइट रिजर्व आ चुका है और यहाँ पे भी ये सिंपल भी आ चुका है और यहाँ पे जो हमारा फुटर उसमें स्पेस ज़्यादा है और इसमें कम है तो जो इसकी पेडिंग है यानी कि इसकी हाँ तो यहाँ पे इसकी मैं स्पीडिंग 20 कर देता हूँ और यहाँ पे आके हाँ सिंपल तो अब हो चुकी है, ठीक है। तो आगे सी है तो सी में लगाने के लिए मुझे एक एंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, एंड पर्सन COPY सेमीकोलन, ठीक है। तो ये सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो वो सी भी आ गया। अब लास्ट में है TM यानी कि ट्रेडमार्क, तो मुझे वो ट्रेडमार्क भी चाहिए तो यहाँ पे मैं आखिर में मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एंटिटी एंड करके लिखना पड़ेगा ट्रेड और सेमीकोलन, सेव करके रिफ्रेश करना है तो मुझे भी वो TMB मिल गया। जो ये हमारे टेक्स्ट का कलर है वो है ग्रे, तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट का कलर ग्रे चाहिए यानी कि इसे मैं क्लास लगा देता हूँ टेक्स्ट म्यूटेड, टेक्स्ट म्यूटेड, ठीक है। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये सिंपल टेक्स्ट म्यूटेड भी आ चुका है, ठीक है।
तो ये हमारा जो टेम्पलेट है वो आपको मैं बता दूँ दोस्तों, प्योर रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है। आप इसको रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं यहाँ से। हाँ तो ये भी थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टेम्पलेट पूरा अपने आप रिस्पॉन्सिव हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेनू ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ठीक है। मैप आ गया है, कॉन्टेक्ट इन फॉर कॉपीराइट रिजर्व, जो ये मैक्सिमम स्क्रीन है उसमें भी आपको ये टेम्पलेट रिस्पॉन्सिव ही मिलेगा, ठीक है। ये मोबाइल व्यू है, ठीक है। और यहाँ पे मेनू ओपन हो गया है, तो ये आपके पास है टेबलेट व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे टेबलेट व्यू में भी आप सिंपल देख सकते हो, ये ओपन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी फुल स्क्रीन में भी आपके पास ये आ चुका है। तो ये था बूटस्ट्रैप 4 में कैसे टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं दिखा दूंगा अगले बार कि इस टेम्पलेट में इफेक्ट कैसे ऐड करते हैं। इफेक्ट यानी कि जब आप टेम्पलेट रिफ्रेश करो तो ये है वो यहाँ पे साइड बार से आए, और जो मेनू है वो एक के बाद एक स्लाइड ही होके आए। वो इफेक्ट कैसे ऐड की करते हैं वो मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बता देता हूँ। उसके लिए मैं एक सिंपल एक ट्यूटोरियल बनाऊँगा, ठीक है। एक वीडियो बना के आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो डेमो की जो फोल्डर है वो आपको डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे डाउनलोड लिंक फिर रख देता हूँ। अगर नहीं रख देता, अगर मैं भूल गया, तो आप जो मेरे ट्यूटोरियल के पहले वीडियो है डाउनलोड और इंस्टॉल, वहाँ से देख के भी आप सिंपल डेमो फोल्डर बना सकते हैं। तो अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।